लास्पियर्स, पाचेज और फिशर्स, इन सबको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपको सिंपली ऐसे दे के रखा होगा कि बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी, तब तो आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल लोगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि प्राइस क्वांटिटी सीधे सीधे नहीं दिया होता है, तब क्या करोगे? फॉर एग्जांपल देखो, ये इलस्ट्रेशन नंबर 50 है डॉक्टर के एल गुप्ता बुक का, 215 पेज नंबर। यहाँ पे क्या किया गया है, बेस ईयर 2010 और करंट ईयर 2011 है। ठीक, चलो प्राइस भी दिया है तो ये हो गया आपका P0 क्योंकि बेस में है, और ये 2011 का प्राइस दिया है यानी कि ये हो गया P1, करंट ईयर का हो गया। ठीक है, अब यहां जहां क्वांटिटी देना चाहिए था इन्हें, इन्होंने क्वांटिटी ना देके वहां वैल्यू दे दिया। तो भाई कोई अब नया फॉर्मूला आप थोड़ी ना याद करोगे, आपको वही फॉर्मूले से सॉल्व करना है। यहां फिशर्स बोला है तो आपको वही P0 वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो अब यहां पे जब क्वांटिटी नहीं पता तो आप सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि फिशर्स वाले फॉर्मूले में क्वांटिटी तो मस्ट है। सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। तो ऐसे केस में आप क्वांटिटी निकालोगे। देखो, जब भी वैल्यू और प्राइस दिया हो तो उस समय क्वांटिटी का आप एक फॉर्मूला रट लो, क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप Q0 और Q1 भी निकाल लोगे। देखो कैसे, तो यहां पे अब आपको थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। सबसे पहले अब आप क्या करोगे, जैसे आपने देखा कि जो बेस ईयर 2010 था उसके वैल्यू आपको दे रखा था, यहां देखो वैल्यू दे रखा था 200, 192, 288, 680 और 40। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, सबसे पहला काम क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे। क्वांटिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, वैल्यू अपॉन प्राइस। अब ध्यान रखना है, जब वैल्यू अपॉन प्राइस करोगे तो अभी इसको करंट ईयर को छोड़ दो, ठीक, सिर्फ इसको देखो बेस ईयर को। तो 200 डिवाइड बाय 20, 192 डिवाइड बाय 16, 288 डिवाइड बाय 24, 600 डिवाइड बाय 40, फिर 80 डिवाइड बाय 10, 40 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तब आपका जाके ये जो क्वांटिटी आएगा ये क्या हो गया, ये हो गया Q0। ठीक, सेम वैसे ही करंट ईयर में आप करोगे, ये रहा वैल्यू, ये रहा प्राइस। आप करोगे 192 डिवाइड बाय 24, 208 डिवाइड बाय 16। देखो यही चीज हुआ है ना, 192 डिवाइड बाय 24 यानी कि वैल्यू अपॉन प्राइस, इससे क्या आ गया, ये आ गया Q1। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप अपना टेबल बनाते हो वैसे बनाओ, यहाँ पे P0 Q0 P1 Q1 Q0 का यहां से और Q1 का यहां से आप वैल्यू पुट डाउन कर दो, आपका हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपने ये देख लिया, जब आपको क्वेश्चन में वैल्यू और प्राइस दे रखा होगा तब आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे। ठीक, अब देखो कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा प्राइस और एक्सपेंडिचर, तो आप अब यहां पे प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया है तब आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे, इसका भी सेम फॉर्मूला है। अभी हमने क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा, अभी हमने क्वांटिटी का फॉर्मूला पढ़ा कि वैल्यू अपॉन प्राइस। ठीक है, अब जब यहां पे एक्सपेंडिचर दे रखा है तब आप क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला लगाओगे, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। समझ में आया, ये देखो यहां पे, यहां दे रखा था हमको प्राइस और एक्सपेंडिचर, तो हमको पहले क्वांटिटी निकालना पड़ा। तो हमने कैसे निकाला, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके, 240 डिवाइड बाय 12 20, 240 डिवाइड बाय 8 30, 216 डिवाइड बाय 27, ऐसे करके हमने ला दिया। समझ में आ गया, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन प्राइस और क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ऐसे करके आप क्वांटिटी निकाल लोगे, उसके बाद फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। अब इलस्ट्रेशन नंबर 51 आप देखो, तो उसमें भी वही चीज दिया हुआ है, वैल्यू दे रखा है और प्राइस दे रखा है। ठीक है, और एक जगह क्वांटिटी भी दे रखा है। अब इसको देख के आप घबराना मत कि यहाँ जैसे बाकी सब में टेबल ऐसे हमको बना के दिया होता है कि बेस ईयर करंट ईयर, बेस ईयर का प्राइस और वैल्यू जो भी है या प्राइस और क्वांटिटी जो भी है, लेकिन यहाँ क्या किया है ना, यहाँ सब कुछ एक ही में मिला दिया है, लिखा है वैल्यू फिर बेस ईयर करंट ईयर फिर बेस ईयर करंट ईयर का और क्वांटिटी, ऐसे कर बहुत कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है। देखो अब ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, आप सबसे पहले सिर्फ बेस ईयर वाले को उठाओ। तो यहां देखो बेस ईयर का क्या दे रखा है, वैल्यू। इधर देखो बेस ईयर का क्या दे रखा है, तो इधर बेस ईयर का दे रखा है क्वांटिटी। तो बेस ईयर में क्वांटिटी और वैल्यू दे रखा है, हमको फिर निकालना क्या है बेस ईयर में, बेस ईयर में हमको निकालना है प्राइस। तो सबसे पहला काम हमारा ये था यहाँ पे फाइंड करना। जब भी ऐसे कंफ्यूजिंग वे में दिया हो तो आप पहले ये ढूंढो कि क्या निकालना है। तो यहाँ बेस ईयर में क्वांटिटी और वैल्यू दे रखा है, हमको प्राइस निकालना है। तो ये बताओ, अभी हमने क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन प्राइस। तो हमको इस कंडीशन में क्वांटिटी पता है क्या है, मैं एक का निकाल के दिखा दे रहा हूं, ए का। तो क्वांटिटी है 50,
50 पुट कर दो, फिर वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 300 हो गया, और प्राइस कितना है, प्राइस ही तो निकालना है हमको, तो नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वांटिटी, वैल्यू और प्राइस ये तीनों साथ में दिए हो तो फॉर्मूला यही रहेगा, क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन प्राइस। तो 50 इज इक्वल टू 300 अपॉन प्राइस, प्राइस इधर भेज दो, प्राइस इज इक्वल टू 300 अपॉन 50, यानी कि ये हो गया 6, यानी कि कमोडिटी ए में बेस ईयर का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 6, यानी कि P0 ए में कितना होगा, 6। समझ में आ गया? तो ऐसे करके आप प्राइस सबसे पहले बेस ईयर का निकालोगे, ठीक, और क्वांटिटी तो ऑलरेडी बेस ईयर का दे रखा है। अब आ जाओ करंट ईयर पे, करंट ईयर का हमको प्राइस दे रखा है, यानी कि हमको P1 दे रखा है, और करंट ईयर का हमको वैल्यू दे रखा है। तो करंट ईयर में हमको प्राइस दिया है तो हमको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन प्राइस, तो लिखो क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन प्राइस, वैल्यू कितना दे रखा है 560 और प्राइस है 10, तो देखो 560 डिवाइड बाई 10 56, फिर वैसे ही 240 डिवाइड बाई 2 यानी कि 120, तो ये सब क्या आ रहा है, ये सब Q1 आ रहा है, बाकी हमको P1 पता था, तो P1 Q1 ये हो गया, और यहाँ पे बेस ईयर में हमको Q0 पता था, हमको P0 हमने यहाँ पे निकाल लिया। समझ में आया?